guys, welcome to my channel. I'm Simran and I teach you political science. So if you have seen my last video, you might be knowing that I have teach you chapter 1, challenges of nation building till reorganization of states. So today we will be starting with reorganization of states. I hope you are liking my explanation and I'm trying my best to explain you the most easy way I can. I hope you like my videos and please subscribe to my channel. Don't forget to subscribe it. Let's start with today's topic, reorganization of states. The process of nation building did not come to an end with the partition and integration of princely states. Now the challenge was to draw the internal boundaries of the Indian states. नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस पार्टीशन एंड प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करने के बाद ख़त्म नहीं हुआ था. अभी भी हमारे सामने एक और चैलेंज था एंड वो था इंडियन स्टेट्स की इंटरनल बाउंड्रीज मार्क करना. दिस वॉज नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन. द बाउंड्रीज हैड टू बी ड्रॉन इन अ वे सो दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्लूरलिटी ऑफ द कंट्री कुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट अफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ द नेशन. इसका मतलब है कि ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न नहीं था. इनफैक्ट ये डिवीज़न लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बेसिस पर होना था. मतलब इस डिवीज़न को लैंग्वेजेस एंड डिफरेंट कल्चर्स के बेसिस पर होना था. ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन ईदर ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और सिंपली कोइंसाइडेड विद द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स. इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि कॉलोनियल रूल में दैट मीन्स जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे उस टाइम पर इंडियन स्टेट्स की अच्छे तरीके से प्रॉपरली बाउंड्रीज मार्क नहीं की गई थी. एंड नेशनल मूवमेंट हैड रिजेक्टेड दीज डिविजन्स एज आर्टिफिशियल एंड हैड प्रॉमिस्ड द लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल एज द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स. हमारे नेशनल मूवमेंट में इन डिविजन्स को आर्टिफिशियल माना गया था एंड ये प्रॉमिस किया गया था कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद लिंग्विस्टिक दैट मीन्स लैंग्वेज एंड कल्चरल बेसिस पर टेरिटरीज को मार्क किया जाएगा. बट थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. आर लीडर्स फेल्ट दैट क्रेविंग आर स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज माइट लेड टू डिस्ट्रप्शन एंड डिसइंटीग्रेशन. इट वॉज फेल्ट दैट दिस वॉज टू ड्रॉ अवे अटेंशन फ्रॉम अदर सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट द कंट्री फेस्ड. दिस मीन्स दैट इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन के बाद सिचुएशन बदल गई थी. हमारे लीडर्स को लगता था कि अगर स्टेट्स का लैंग्वेजेस के बेसिस पर पार्टीशन होगा तो आगे चलकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी एंड ये स्टेट बाउंड्रीज का इशू हमारे बाकी मेजर चैलेंजेस पर से हमारी अटेंशन को कम कर देगा. दैट मीन्स जो हमारे मेजर चैलेंज थे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट उसके ऊपर हम कम ध्यान दे पाएंगे अगर हम लोग लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने लग गए. इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस मैटर को पोस्टपोन करने का फैसला लिया. दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम इस मैटर के बारे में थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे, पहले हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मूव करेंगे. सो दिस डिसीजन ऑफ द नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर्स एंड द पीपल. जब नेशनल लीडर्स ने ये डिसाइड किया कि हम स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पर डिवाइड करने के डिसीजन को पोस्टपोन करेंगे तो लोगों ने उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया. काफ़ी सारे लीडर्स एंड पब्लिक ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया. वो चाहते थे कि जल्द से जल्द लैंग्वेजेस एंड कल्चर के बेसिस पर स्टेट्स का डिवीजन स्टार्ट हो जाए. प्रोटेस्ट बिगिन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ द ओल्ड मद्रास प्रोविंस विच इंक्लूडेड प्रेजेंट डे तमिलनाडु पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश केरला एंड कर्नाटका. सबसे पहले प्रोटेस्ट शुरू हुआ तेलुगु बोलने वाले एरियाज में जो ओल्ड मद्रास प्रोविंस में था. एट दैट टाइम ओल्ड मद्रास इंक्लूडेड तमिलनाडु पार्ट्स ऑफ टुडेज आंध्र प्रदेश केरला एंड कर्नाटका. मूवमेंट का नाम था विशलांधारा मूवमेंट. कौन सा मूवमेंट? विशाल आंध्रा मूवमेंट. एंड उनके डिमांड थी कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ को मद्रास प्रोविंस से अलग कर दिया जाए. कौन से एरियाज़ को? जो जिन एरियाज़ में तेलुगु बोली जाती थी उनको मद्रास प्रोविंस से अलग कर दिया जाए एंड एक सेपरेट आंध्रा प्रोविंस बनाई जाए. कौन सी प्रोविंस? आंध्रा प्रोविंस. प्रोविंस यानी कि तेलुगु बोलने वाले लोगों को अपने लिए एक सेपरेट स्टेट चाहिए थी आंध्रा. कौन सी स्टेट? आंध्रा. एंड जितनी भी पॉलिटिकल फोर्सेस थी वो इस डिसीजन के हक में थी कि
तेलुगु स्पीकिंग एरियाज के लिए आंध्र प्रोविंस बनाई जाए. The movement gathered momentum as a result of central government's vacillation. इसका मतलब कि movement इस movement के अंदर काफ़ी momentum show हुआ, मतलब कि बहुत speed up होने लगा ये movement, ये protest, जब central government कुछ react नहीं कर रही थी, central government जब कोई decision नहीं ले रही थी लोगों के protest के करने के बावजूद भी. So पोटी श्रीराम अलू, a Congress leader and a veteran Gandhi, went on an indefinite fast that led to his death after 56 days. प्रोटेस्ट के दौरान एक कांग्रेस लीडर थे जिनका नाम था पोटी श्रीराम अलू, उनको वेटरन गांधी भी कहा जाता था. वो इंडेफिनिट फास्ट यानी कि अनशन पर गए 59 डेज के लिए, जिस दौरान उनकी डेथ हो गई. अनशन के टाइम पर उनकी डेथ हो गई. This caused a great unrest and resulted in violent outburst in Andhra region. उनकी डेथ की वजह से बहुत ज़्यादा unrest क्रिएट हुआ पूरी आंध्रा स्टेट में, violence and दंगे होने लग गए. People in large number took the streets, many were injured or lost their lives in police firing. लोग सड़कों पर उतर आए थे, उन लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा था पोती श्रीरामुलू की डेथ की वजह से, उनका प्रोटेस्ट और ज़्यादा स्केल पर होने लग गया था. देयर वर वायलेंस इन ऑल ओवर द रीजन, देयरफॉर पुलिस फायरिंग स्टार्ट हुई एंड जिसमें काफ़ी लोग इंजर्ड हुए और काफ़ी लोगों का मर्डर हो गया. पुलिस फायरिंग के दौरान काफ़ी लोग इंजर्ड हुए थे एंड बहुत से लोग मर गए थे. इन मद्रास सेवरल लेजिस्लेटर रिजाइन देयर सीट्स इन प्रोटेस्ट. मद्रास की लेजिस्लेटिव असेंबली के काफ़ी सारे लीडर्स ने अपनी सीट से रिज़ाइन किया अपना प्रोटेस्ट दिखाने के लिए. फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट इन 1952. फाइनली प्राइम मिनिस्टर दैट मीन्स जवाहरलाल नेहरू ने दिसंबर 1952 में ये डिक्लेयर कर दिया कि एक सेपरेट आंध्र स्टेट बनाई जाएगी. एंड आंध्र स्टेट बनाई गई थी तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए इन दिसंबर 1952. कब बनाई गई? एट द एंड इन दिसंबर 1952. सो इन दिस वी कंप्लीटेड आवर फर्स्ट टॉपिक दैट आंध्र प्रदेश कैसे बनाया गया था. हमने पढ़ा कि कैसे मद्रास प्रोविंस में तेलुगु स्पीकिंग लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया एंड एट द एंड प्राइम मिनिस्टर को ये डिसीजन लेना ही पड़ा कि एक सेपरेट आंध्र स्टेट बनाई जाए. अब हम आगे पढ़ेंगे कि आंध्र स्टेट के फॉर्मेशन के बाद बाकी स्टेट्स में क्या क्या हुआ, वहाँ पर किस टाइप का प्रोटेस्ट हुआ एंड बाकी स्टेट्स कैसे फॉर्म हुई. The formation of Andhra Pradesh spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country. Andhra Pradesh को separate करने के बाद government के लिए important हो गया था कि बाकी states को भी linguistic basis यानी languages के basis पर divide कर दिया जाए. These struggles forced the central government into appointing a state reorganization commission in 1953 to look into the question of redrawing of the state boundaries. इसकी वजह से central government के लिए important हो गया था कि वो एक separate body appoint करें for the reorganization of states. Central government ने state reorganization commission बनाई 1953 में and state reorganization commission का काम था state की boundaries को mark करना on the basis of languages. This commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. Commission ने एक report तैयार की and उसमें बताया गया कि state की boundaries इस तरीके से mark की जाएंगी कि वो उस region की language and culture को represent करेंगी. इसका simple सा meaning ये है कि division languages के basis पर होगा. On the basis of this report, State Reorganization Act was passed in 1956. इस रिपोर्ट के बेसिस पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लॉन्च हुआ 1956 में. कब हुआ? 1956 में. दिस लेड टू द क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरीज. इसकी वजह से 14 न्यू स्टेट्स बनाई गई इस एक्ट के तहत. 14 न्यू स्टेट्स बनाई गई एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई. सो इसमें हमने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश को सेपरेट करने के बाद बाकी स्टेट को भी लैंग्वेज के बेसिस पर सेपरेट करना हमारे लीडर्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो गया था, इसलिए हमारे लीडर्स ने एक सेपरेट बॉडी जिसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन
बनाई, कौन सी बॉडी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, और ये कब बनाई गई थी, 1953 में। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने एक रिपोर्ट लॉन्च करी, क्या लॉन्च करी, रिपोर्ट, और जिसमें उन्होंने बताया कि जो डिवीज़न होगा वो लैंग्वेजेस के बेसिस पर होगा। एंड कितनी न्यू स्टेट्स बनी एट दी एंड, 14 न्यू स्टेट्स बनी एंड 6 यूनियन टेरिटरीज। सो लेट्स मूव फर्दर ऑन। One of the most important concerns in the early year was that demand for separate state would endanger the unity of the country. जो एक सबसे important concern थी independence के बाद हमारी country की, वो थी कि ये जो demand हो रही है separate states के लिए, इसकी वजह से हमारी country की unity को बनाए रखना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। It was felt that linguistic states may foster separatism and create pressures on the newly founded nation. ये माना जाने लगा कि अगर हम languages के basis पर states को अलग कर देंगे तो ये states force करेंगी and pressurize करेंगी एक separate nation बनाने के लिए। But the leadership under the popular pressure finally made a choice in favor of the linguistic states. बट लीडर्स को इतना प्रेशराइज़ किया गया कि उन्हें फाइनली लैंग्वेजेस के बेसिस पर स्टेट्स को बनाने का डिसीजन लेना ही पड़ा। इट वॉज होप दैट इफ़ वी एक्सेप्टेड द रीजनल एंड लिंग्विस्टिक क्लेम्स ऑफ ऑल रीजन्स द थ्रेट ऑफ डिवीजन एंड सेपरेटिज्म वुड बी रिड्यूस्ड। ये एक्सेप्ट किया जाने लगा कि अगर लिंग्विस्टिक एंड रीजनल क्लेम्स को माना जाए, दैट मीन्स ये जो लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे स्टेट को बनाने वाली डिमांड और क्लेम्स है, अगर इनको अग्री कर लिया जाए, इनको मान लिया जाएगा, तो सेपरेटिज्म एंड डिवीजन, दैट मीन्स बंटवारे का खतरा थोड़ा कम हो जाएगा। बिसाइड्स द अकोमोडेशन ऑफ द रीजनल डिमांड्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वर ऑल्सो सीन एज मोर डेमोक्रेटिक, एंड ये लिंग्विस्टिक बेसिस पर स्टेट्स को मार्क करने के तरीके को काफ़ी ज़्यादा डेमोक्रेटिकली भी एश्योर किया गया था। दिस मीन्स दैट ये तरीका काफ़ी अच्छा भी था एंड इसकी वजह से हमारी कंट्री काफ़ी स्मूथली वर्क कर रही थी। Linguistic states and the movements for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in basic ways. ये जो linguistic states के लिए demand हुई and जो protest हुए इस सब के दौरान, इसकी वजह से हमारे India की politics में काफ़ी change आए। The path of politics and power was now open to people other than small English speaking elite. अब जो politics का path था, that means politics की तरफ जाने का path था, वो काफ़ी लोगों के लिए खुल गया था। नॉर्मल पीपल, पब्लिक एंड जो मिडिल क्लास थे, लोअर मिडिल क्लास, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग लोग और जो एलाइट्स नहीं थे, वो लोग भी अब पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने लग गए थे। प्रोटेस्ट के दौरान भी काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया था, इवन वुमेंस ने भी हिस्सा लिया था। तो इस सब प्रोटेस्ट की वजह से एंड जो कुछ भी हमारी कंट्री में लैंग्वेजेस के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए हुआ, उसकी वजह से हमारी पॉलिटिक्स काफ़ी स्मूथ हो गई। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो गेव सम यूनिफॉर्म बेसिस टू द ड्राइंग ऑफ स्टेट बाउंड्रीज, एंड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन काफ़ी यूनिफॉर्मिटी लाई हमारी कंट्री के अंदर। दैट मीन्स स्टेट्स को लैंग्वेजेस के बेसिस पर डिवाइड करने के बाद हमारी कंट्री में काफ़ी यूनिफॉर्मिटी आई। इट डिड नॉट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज मैनी फियर्ड अर्लियर ऑन। इसका मतलब है कि जो डिवीजन हुआ लैंग्वेजेस के बेसिस पर, उसकी वजह से हमारी कंट्री और ज़्यादा डिसइंटीग्रेट नहीं हुई, जैसा कि सब लोग डर रहे थे कि हमारी कंट्री डिवाइड होती चली जाएगी लैंग्वेजेस के बेस पर डिवीजन की वजह से। इनफैक्ट इट स्ट्रेंथेड द नेशनल यूनिटी, इनफैक्ट इसकी वजह से हमारी कंट्री की नेशनल यूनिटी और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। अबव ऑल द लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। इनफैक्ट जो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो एक्सेप्ट करने की वजह से हमारी कंट्री के अंदर डाइवर्सिटी क्रिएट हुई। क्या क्रिएट हुई? डाइवर्सिटी। When we say that India adopted democracy, जब हम कहते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, तो इसका सिंपल मीनिंग ये नहीं है कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन आई एंड इंडिया में इलेक्शंस फॉलो हुए। इसका एक डीपर मीनिंग है, उस वो है कि इंडिया में डेमोक्रेसी को एसोसिएट किया गया प्लूरेलिटी ऑफ कल्चर से, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर से, लैंग्वेजेस से, रिलीजन से एंड आइडियाज से। इनफैक्ट इंडिया में हर रिलीजन को महत्वता दी गई, हर लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी गई एंड लोगों के न्यू आइडियाज़ को एंड वेज ऑफ लाइफ को भी
एक्सेप्ट किया गया. देयरफॉर डेमोक्रेसी का एक बहुत वाइडर मीनिंग था हमारे इंडिया में. नॉट मच ऑफ द पॉलिटिक्स इन द लेटर पीरियड वॉज टेकन प्लेस विद इन दिस फ्रेमवर्क. दिस मीन्स दैट आगे के टाइम में जो पॉलिटिक्स हुई वो इन्हीं बेसिस पर हुई. सो विद दिस वी केम टू एंड ऑफ द चैप्टर. बट बिफोर एंडिंग लेट अस रिवाइज कि आज हमने क्या क्या पढ़ा. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा कि आंध्र प्रदेश कैसे फॉर्म हुआ. देन वी स्टडीड अबाउट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन. हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के बारे में पढ़ा. एंड एट द एंड किस तरीके से 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई. देन वी स्टडीड अबाउट द गवर्नमेंट्स कंसर्न्स. एंड फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनने के बाद इंडिया में एक यूनिफॉर्मिटी आई एंड इंडिया की यूनिटी और ज़्यादा मजबूत हो गई. एंड एट द एंड वी स्टडीड द डीपर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी. So with this we came to an end. I hope you like today's explanation. I'm trying my best to explain you the most easy way I can. Agar aapko video pasand aaye to please smash the like button and please don't forget to subscribe to my channel. I hope you are liking it. And let me tell you one thing, in my next video I'll be uploading question answers of this chapter. I will be covering all the question answers. So please wait for my next video and don't forget to subscribe the channel. Thank you.